समीन भाई, कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स इस मर्तबा? आपकी बैड लक भी हुई, दो खिलाड़ी चले गए, लेकिन इतना बड़ा टारगेट, आप समझते हैं कहीं ना कहीं कप्तानी का कोई नजर आई कमी आपको? देखें, पहली बात तो यह है कि दो से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे जो हैं वो अनफिट हुए या चले गए, लेकिन सबसे पहले क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद की टीम को। वो बहुत अच्छा खेले, नो डाउट अबाउट दैट। बाउंड्रीज काफ़ी छोटी थी जिसकी वजह से इतना रन्स ज़्यादा पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कप्तानी का ऐसे नहीं था, बॉलर से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। सोहेल, आपने अबू धाबी में भी कैच ड्रॉप किया, यहाँ पर भी बड़ा क्रूशल कैच ड्रॉप हुआ आपसे, और दूसरा ऐसा लगा कि जिस तरह समीन ने कहा कि कुछ इंजरीज इस टीम के प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन क्रिकेटिंग डिसीजंस भी कुछ गलत हुए आज इस पिच के ऊपर टॉस जीतकर। आपको लगता है कि गलत फैसला फील्डिंग करने का? असल में जिस तरह टूर्नामेंट चलता आ रहा था दुबई से, यूएई से, तो हमारी बैड लग यही रही है कि जहां हमें टॉस जीतना चाहिए वहां हम हार गए, और जहां हमें हारना चाहिए था हम जीत गए। लेकिन कोई नहीं, ये गेम का हिस्सा है, और जहां तक कैच ड्रॉप करने की बात है तो कोई भी फील्डर उसकी यही कोशिश होती है कि मैं अपना 100% दूँ, तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वो हो गया कि एक तो मेरा हाथ भी थोड़ा सा बॉल लगी हुई है पहले मैच से, तो मैं वो इंजरी के साथ ही कैरी कर रहा था, क्योंकि इतनी मेजर तो नहीं है, लेकिन यह कि फील्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बाकी बॉलिंग भी हमारी, जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो सवाए पहली बॉल के, तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी कैप्टन हो तो वो उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं कि वो कर सके। और जिस तरह क्रेडिट देना चाहिए डेलपोर्ट और आसिफ अली को भी कि वो बहुत अच्छा खेले। समीन भाई, आपने बात की कि बाउंड्रीज छोटी थी, तो बाउंड्रीज जब आपकी बैटिंग हो रही थी उस दौरान भी छोटी थी, उस टाइम बड़ी तो नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन जब आपके पास स्कोर बोर्ड पे 240 का टारगेट लगा हो तो एक जेन्युइन सी बात है, वो प्रेशर राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल यू आर चेजिंग 12 रन ओवर, जिसकी वजह से बैट्समैन मिस्टेक करते हैं। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा आपको, लेकिन मेरे पर्सनल ख्याल में बैलेंस बिटवीन बॉल एंड बैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द गेम। समीन भाई, जिस तरह आपने कहा कि आपकी बैड लक है कि आप कुछ इंजरीज का शिकार हैं, तो ये भी आपकी बैड लक है, आप जिसको टीम से निकालते हैं वो लाहौर कलंदर को पड़ जाता है, जिस तरह डेलपोर्ट पड़ गए। मैंने उनसे आज कहा था कि यू सेव द बेस्ट फॉर अस। देखें, डे होता है किसी भी प्लेयर का। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारे बॉलिंग प्लान्स जो थे वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुए। हम सबको पता है डेलपोर्ट की गेम जो है वो मिड ऑन और लेग साइड पे ज़्यादा है, थोड़ा सा हमने उनको उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज में फीड किया, बाउंड्री छोटी होने की वजह से उनको काफ़ी अच्छी शॉट्स भी मिली, लेकिन फुल क्रेडिट टू हिम, फुल मार्क्स टू हिम कि उन्होंने इस प्रेशर में इतना अच्छा खेला। जी समीन भाई, कप्तान भी तब्दील हो गए, खिलाड़ी भी तब्दील हो गए, और अब तो ग्राउंड भी तब्दील हो गया था, तो अगले साल किस हिकमत अमली के साथ आएंगे, और किस तरह, अब तो तकरीबन आप बाहर हो चुके हैं, तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा अगले साल? देखें, बात यह है कि कुछ इंजरीज जो हैं वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल थी, अनफॉर्चुनेट बात है। आई थिंक आप देखें कि हमारे जो 9 मैचेस हुए हैं उसमें एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें हमने पूरी साइट खिलाई हो वन वे और अनदर। पहले मैचेस 3 में हमारे जो मेन बॉलर थे लैमी चन्ने और कुछ लोग जो BBL की वजह से नहीं आ सके, फिर जैसे ही इंजरी हफीज भाई को हुई हमारी पूरी कैंपेन के वो लीडर थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक टीम को बहुत बड़ा सेटबैक। क्रेडिट टू AB डिविलियर्स एंड फखर जमान कि उन्होंने जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उन्होंने विद बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज कोशिश की। क्रिकेट में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी ये वाली जो इस दफ़ा की टीम थी और अभी भी है, एक मैच हमारा अभी रहता है, वो ऑन पेपर वॉज द बेस्ट टीम। जस्ट अनफॉर्चुनेट बात है कि इंजरीज की वजह से वो कॉम्बिनेशन कभी भी बेस्ट खिला नहीं पाए हम। सुहेल, आपसे सवाल है कि जबरदस्त आप लोगों ने एक बड़ा टारगेट था उसको आप पीछे से गए, एक अच्छा आप लोग खेले, लेकिन दो बड़े बैट्समैन नहीं थे आपके साथ, AB डिविलियर्स भी नहीं थे, कोरी एंडरसन भी नहीं थे, तो समझते अगर वो होते तो आज सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती आपकी टीम की? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले क्वेटा के खिलाफ हमने 200+ मुल्तान के खिलाफ चेज किया था, तो इसमें एक्सपीरियंस बड़ा टारगेट, जब भी आप चेज कर रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस आपके होना लाजमी होता है। अनफॉर्चुनेटली वही बात समीन भाई वाली है कि जो हमारे मेन प्लेयर थे और
कैप्टन, फिर ए बी कैप्टन बने, वो भी इंजर्ड हो गए, तो उससे टीम का जो कम्बिनेशन होता है वो बनाने में बहुत मसाइल आ जाते हैं। तो उन दोनों पे हमारी पूरी टीम बन रही थी, तो उस वजह से तो हमें प्रॉब्लम हुआ है। तो ओवरऑल जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेज रही हैं, सवाए एक आध मैच के, हम हर मैच जो है लास्ट बॉल तक लेके गए हैं। तो थोड़ा सा आके हमें वही मसाइल आ जाते हैं हफीज़ भाई का और ए बी का, कि वो अगर होते तो फिर रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होते। समीर भाई, 2019 में जो पाकिस्तान में 8 मैचेस होने थे, आप लोग पहला मैच खेले, कलंदर्स पाकिस्तानी सरजमीन पर पहला मैच खेली, आप लोग गैर मुल्की प्लेयर्स के साथ आए थे, स्पेशली गैर मुल्की प्लेयर्स का, अपने लोकल प्लेयर्स का, और राना फवाद का कलंदर्स का पहला मैच पाकिस्तान में खेलना, क्या आप लोगों का ओपिनियन है इस पे? लेकिन जब सबसे हार जीत असाइड, मैं आपको बताऊं कि दिस मैच इज मोर देन हार और जीत, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, और हम ओनर्स जो हैं जितने भी हैं उनके लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये टूर्नामेंट जब तक पाकिस्तान में नहीं आएगा फुली, ये 8 मैचेस या 10 मैचेस करवा देना काफ़ी नहीं है, ये पाकिस्तान की लीग है, इसको पाकिस्तान में आना चाहिए हर हालत में। तो मेरे लिए जो डिफीट है उसकी जो भी है दुख है वो अपार्ट, लेकिन खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि फाइनली कराची हो, लाहौर हो, कोई भी शहर हो पाकिस्तान का, जब तक पाकिस्तान में ये लीग नहीं आएगी इसका कोई फायदा नहीं। देखें ऑब्वियसली सब बहुत एक्साइटेड थे, बल्कि जब हम दुबई में थे तो उस वक्त भी मेरे जो फॉरेन प्लेयर्स थे दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू पाकिस्तान। एम्प्टी स्टेडियम में क्रिकेट खेलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और वो फन, वो एक्साइटमेंट वो कभी भी नहीं आ सकती, पिछले 3 सालों से हमने देखा कि वो अट्रैक्शन नहीं है। आज के क्राउड ने जितना इंजॉय करवाया सबको, दो के हम हार गए मैच, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं मुझे बहुत मजा आया मैच देखने का। कलंदर मुसलसल खराब परफॉर्मेंस दिखाती आ रही है, इधर इधर कलंदर मुसलसल खराब परफॉर्मेंस दिखाती है, इसी टूर्नामेंट में नहीं पिछले कई सीजन से, अब तो ये नौबत आ गई कि राना फवाद जो है मज़ारों पर हाजिरी देना शुरू कर दी है। अब अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार साहब के बाद अब 7 शरीफ भी जा रहे हैं, वो जीतने के लिए यकीनन दुआ करेंगे, तो टीम उनको कब सपोर्ट करेगी कि उनकी ये जितनी मेहनत है रंग लिया है? देखें मज़ारों पर जाके दुआ करना वो बुरी बात नहीं है, हमारा जो कल्चर है उसमें ये वेरी मच एक्सेप्टेड चीज़ है। वो इसलिए नहीं जा रहे कि टीम हार रही है, और उनका वैसे भी एक प्लान था कि वो जब भी कराची में आएंगे हम खेलेंगे यहाँ पे, हम उधर हाजिरी ज़रूर देंगे, तो इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। जहाँ तक गेम की बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कलंदर्स की परफॉर्मेंस ग्राउंड में इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको ना बियॉन्ड रिजल्ट्स भी देखना चाहिए, टेबल पोजिशन के अलावा भी देखें। क्रिकेट है, सेकंड सीजन में 2 बॉलों पे 2 छक्के लग के लाहौर बाहर हो गई, इस साल बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। गेम को गेम लें, पॉजिटिव लें, इंशाल्लाह लाहौर की हो या कराची की हो या कोई भी टीम हो, ये पाकिस्तान की टीम है, मुकाबला हम ग्राउंड में करते हैं, लेकिन जीतेगी इंशाल्लाह लाहौर।